सलमान खान भी प्रियंका की हार से काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और उन्होंने प्रियंका की जमकर तारीफ की। उन्होंने एक एक चीज प्रियंका के हक में बोला और कहा कि यही असली विनर है। जब सलमान खान प्रियंका की तारीफ कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख लीजिए निमृत के रिएक्शंस। वेल, आप देख सकते हैं निमृत को काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं कि कोई भी प्रियंका की तारीफ करे। आपको पता ही है कि जब शिव भी प्रियंका की तारीफ किया करते थे तो उन्हें कई बार बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था, जो कि आप सबने घर के अंदर देखा भी। अब यहाँ पर फिनाले में खुद सलमान खान प्रियंका की तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं और वो कहते हैं कि हर किसी को यही लग रहा था, मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो भी यही सोच रहे थे कि प्रियंका जो है वो विनर बनेंगी, लेकिन ऐसा हुआ जिसे देखने और सुनने के बाद वो भी शॉक्ड रह गए। जैसे ही ये सारी तारीफों के पुल जो हैं वो निमृत सुनती हैं प्रियंका के, वो काफ़ी अजीब रिएक्शन देती नजर आती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो निमृत हैं उनके रिएक्शन, जो कि यकीनन अगर आपने मिस किया हो तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। वेल, निमृत का ये रिएक्शन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निमृत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वेल, आपको पता ही है कि निमृत जो है वो जब से घर से बाहर निकली हैं तब से वो सिर्फ और सिर्फ मंडली में से किसी एक को जीतते हुए देखना चाहती हैं। ऐसे में वो इस बात को पूरी तरीके से श्योर मान भी चुकी थी कि मंडली में से ही कोई जीतेगा और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि प्रियंका जीते। ऐसे में अब जो है यहाँ पर रिएक्शन सामने आया है। अगर आपने ये रिएक्शन मिस किया हो कल फिनाले में तो देख लीजिए यहाँ पर निमृत का जो रिएक्शन है वो कितना अलग सा नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लग रही क्योंकि सलमान जो है वो बैक टू बैक प्रियंका की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं जो अंकित है उनका रिएक्शन। अंकित जो है वो लिटरली रो पड़े थे और ये चीज जो है वो प्रियंका को बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर गई और ये बात उन्होंने इंटरव्यू में बोली भी है। उन्होंने कहा है कि जो प्रियंका का रोना था ना, वो चीज देख कर मुझे काफी ज्यादा अच्छा सा लगा। ऑब्वियसली प्रियंका जो है वो अंकित के लिए कितना पॉजिटिव रहा करती थी। ऐसे में अब जब वो देख रही हैं कि अंकित के अंदर जो है उनके लिए फीलिंग्स आ गई है तो ऑब्वियसली ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी है। तो आपको बता दें यहाँ पर प्रियंका जो है वो बहुत ही चिल है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि भाई वो यहाँ तक पहुँची हैं बहुत बड़ी बात है और फैंस भी जो हैं वो उन्हें एक तरीके से जीता हुआ ही मान रहे हैं। उन्हें ऑलरेडी पहले ही वो विनर मान चुके थे। अब यहाँ पर जो प्रियंका है उनकी हार की ही चर्चे हैं। यकीनन स्टैन की जो जीत है वो तो एक साइड, लेकिन प्रियंका के हार के चर्चे हो रहे हैं क्योंकि इस वजह से क्योंकि प्रियंका ने बहुत ही अच्छी तरीके से गेम को खेला है और इस बात को खुद सलमान ने भी अप्रिशिएट किया है और वो बहुत ज़्यादा तारीफ करते नज़र आ रहे हैं। प्रियंका के चेहरे की मुस्कान जो है वो बिल्कुल भी गायब नहीं होती और यही देखकर जो निमृत हैं वो काफ़ी अजीब फील करती नजर आती हैं, अगर आप सबने नोटिस किया हो तो। प्रियंका का ये हौसला देख सलमान भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा पूरे सीजन में अकेली खेलती रही, 15-16 लोगों से अकेले लड़ी, साथ छूटने के बाद भी वो हर तरह से घर से बाहर आ रही है। और साथ ही साथ सलमान ने कहा कि उनके पेरेंट्स और फ्रेंड्स का भी यही कहना था कि प्रियंका ही विनर होगी। सलमान ने पहली बार प्रियंका की इस तरह से तारीफ की और इस तारीफ के पुल को देखकर जो निमृत हैं आप देख सकते हैं उनका रिएक्शन। वेल, आप सब क्या कहेंगे इस पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।